Today is third day of habit building challenge of 7 days. Seven task क्या है? जो seven task है वो यहाँ पे है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन अनदर स्टडी ब्लॉग। आज है 28 फरवरी और अभी रात के 11 बजने वाले हैं। आज मेरा हैबिट बिल्डिंग चैलेंज का दूसरा दिन था, बट आज ब्लॉग शूट नहीं हुआ और अभी मैं जा रहा हूँ सोने। और कल है हैबिट बिल्डिंग चैलेंज का थर्ड डे, तो कल ब्लॉग शूट जरूर होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ जल्दी से सोने। 11 बज चुके हैं, फिर भी मुझे 5 बजे कैसे भी उठना है और कल के डे को भी प्रोडक्टिव बनाना है। तो गाइस हम तो चले सोने, मिलते हैं कल मॉर्निंग में 5 बजे। A few moments later. तो गुड मॉर्निंग गाइज, 5:10 हो रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। सबसे पहले उठने के बाद पानी पीता हूँ और उसके बाद पानी पी के फ्रेश होके अभी निकलने जा रहा हूँ पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। तो गाइज टुडे इज थर्ड डे ऑफ हैबिट बिल्डिंग चैलेंज ऑफ 7 days। तो आज तीसरा दिन है और अभी चलते हैं पार्क डायरेक्टली अपने थर्ड डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। फर्स्ट डे और सेकेंड डे प्रोडक्टिव हो चुका है, आज तीसरा डे है, इसको भी प्रोडक्टिव बनाना है। तो जल्दी से अब डायरेक्टली आपसे पार्क में मिलते हैं। तो जल्दी से अपना शू पहनते हैं, उसके बाद साइकिल निकालते हैं और पहुंच जाते हैं पार्क। बट मैं देखता हूं बहुत लोग पार्क से वॉक करके जा रहे थे, क्योंकि मुझे हो गया था बहुत लेट। बट मुझे नहीं करना था लेट, लेकिन लेट इसलिए हुआ क्योंकि बहुत देर तक बंद था मेन गेट। बट उन सब लोगों से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो मैं अपना मॉर्निंग वॉक पार्क में स्टार्ट कर देता हूँ। और ये है कुछ पार्क का बीच का व्यूज। यहाँ पे बच्चे लोग झूले भी झूल रहे थे मॉर्निंग में आके। और गाइज मैं फिर देखता हूँ इस दादाजी को, दादाजी के एज के हैं तो दादाजी तो कह ही सकते हैं। तो जब ये इतने एज में टहलने पार्क में आ सकते हैं मॉर्निंग में, तो फिर मैं सोचता हूँ कि फिर मैं क्यों नहीं आ सकता। पार्क का 4 राउंड लगा के मैं चला जाता हूँ अपने फेवरेट स्पॉट यानी कि फेवरेट जगह पे और वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने लगता हूँ। लेकिन 1 मिनट फिर मैं देखता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में एक आंटी सूर्य नमस्कार कर रही है, तो फिर मैं भी सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ। मैं अपने तरफ से और मेरे सारे YouTube फैमिली की तरफ से हमें लाइट और हीट प्रोवाइड कराने के लिए, और फिर मैं अपने एक्सरसाइज में लग जाता हूँ। Now I am going to take meditation. और मैं आपको बताऊंगा कि why we should do meditation. Firstly, it will improve focus in anything, boost concentration power, create emotional balance, and most importantly, it will reduce your anxiety and self-depression, and it will also help you in life-changing lessons. फिर कर लेता हूँ मैं 10 से 12 पुशअप्स, उसके बाद एक सीट ढूंढ के उसे साफ कर लेता हूँ और उसके बाद कर लेता हूँ 10 से 11 क्रंचेस बेली फैट बर्न के लिए। फिर इसे कंप्लीट करने के बाद मेरे जूते से जो गंदे लग गए थे उसे साफ कर लेता हूँ ताकि कोई आके उस पर आराम से बैठ सकता है। फिर उसके बाद मैं पार्क का 1 राउंड और लगाकर साइकिल का चाबी उठाता हूँ और आ जाता हूँ बाहर। फिर साइकिल उठाता हूँ और अब आ जाता हूँ अपने रूम। तो गाइज आज आते आते भी लेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा धूप निकल चुका है, आप देख ही सकते हैं पूरा धूप पड़ रहा है मेरे फेस पे। 7:30 हो चुके हैं, चलते हैं जल्दी जल्दी अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं एक्सरसाइज करके अपने रूम पे आ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ पानी पीने क्योंकि प्यास लग गया है बहुत ज़्यादा। तो पानी पीते हैं और उसके बाद अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये जो 7 days हैबिट चेंजिंग चैलेंज मैंने रखा है, इसमें हैबिट चेंजिंग क्या है आपको ये मैंने डिटेल लॉन्ग ब्लॉग में तो बताया ही नहीं। शॉर्ट वीडियो एक डाला था, उसमें बताया था कि क्या क्या मैं करने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि मैंने लॉन्ग ब्लॉग में भी बोल दिया, इसलिए जो फर्स्ट ब्लॉग था उसमें मैं बोलना भूल गया।
और सेकेंड डे तो ब्लॉग शूट हुआ नहीं, बट जो डे था उसको तो मैंने कंप्लीट किया। आज थर्ड डे है, तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इस 7 डे हैबिट चेंजिंग चैलेंज में मेरा जो 7 टास्क है वो क्या क्या है जो कि मुझे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पानी पीते हैं, उसके बाद तब बताएंगे आपको। पानी मैं आराम से ही पीता हूँ, नहीं तो ये पूरा एकदम गिर जाता है मुंह पे, इसका बड़ा माउथ है इसीलिए। हाफ लीटर पानी था, खत्म हो गया। तो अब चलते हैं अपना, सबसे पहले टू डू लिस्ट तैयार करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 7 टास्क क्या है और क्या रहेगा इस 7 दिन। तो सबसे पहले अपना कर लेते हैं टू डू लिस्ट तैयार। जो 7 टास्क है वो यहाँ पे है। तो मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट वीडियो में इसको बताना भूल गया था, इसलिए मैंने थर्ड वीडियो में ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मेरा फर्स्ट टास्क होगा वो होगा गेट अप एट 5 AM, यानी कि पर डे मुझे 5 AM तक उठ जाना है सुबह में। सबसे पहला टास्क यही होगा। दूसरा टास्क होगा उठने के बाद एक्सरसाइज करने का। फिर तीसरा होगा मेडिटेशन का। फोर्थ होगा रीड अ बुक फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई भी बुक पढ़ना है जिससे मुझे मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं अभी इसके लिए एटॉमिक हैबिट पढ़ रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट डे का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया होगा। जो 5th टास्क है वो है स्टडी 8 to 10 hours डेली, यानी कि मुझे 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना है, ये मेरा 5th टास्क है। 6th जो टास्क है वो है राइट अ अफर्मेशन, यानी कि डेली एक अफर्मेशन लिखना, मैं कभी भी लिख सकता हूँ उसे दिन में। जो 7th टास्क है वो है मोटिवेट माई सेल्फ टू डू ऑल दिस, यानी कि अपने आप को मुझे मोटिवेट करना है ये सारे काम को करने के लिए इस 7 दिन, जिसमें से 27-28 कंप्लीट हो चुका है। आज 29 February है और कल से 1 March होने वाला है। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं कट। 2 दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आज है इस 7 days हैबिट चेंजिंग चैलेंज का 3rd डे, यानी कि 29 February, और कल से 1 March हो जाएगा, तो कल 4th डे होगा। 4 March तक चलेगा ये मेरा 7 day हैबिट चेंजिंग चैलेंज, जिसमें कि मुझे हैबिट बनाना है कि 5 बजे मॉर्निंग में कैसे भी उठना है। तो अभी चलते हैं इस सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो गाइज इसे मैं यहाँ चिपकाने जा रहा हूँ ताकि मुझे ये दिखता रहे कि मेरा क्या क्या टास्क है, मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। ये मेरा जो गम है वो बहुत दिन से, इसको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन लेने की कोशिश में। फिर उसके बाद जल्दी से अपना राइटिंग कंप्लीट करते हैं लिख के, और उसके बाद मुझे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन बनाने थे, लगभग 20 से 25 उस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं। फिर लिखता हूँ आज का करेंट अफेयर्स, और जो भी करेंट अफेयर्स का बैकलॉग लगा हुआ था वो कल मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो कि कल का ब्लॉग नहीं बना था क्योंकि मैं अल्टरनेट डे पे ब्लॉग बनाता हूँ। आज है 29 February, तो आज का करेंट अफेयर्स भी मैंने लिख लिया है, अब इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ स्नान करने, उससे पहले अभी जा रहा हूँ दुकान क्योंकि मुझे एक सर्फ लेना है। तो मुझे धोने थे कपड़े, मैं जाता हूँ वॉशरूम, देखता हूँ तो सर्फ ही नहीं है, फिर मैं जाता हूँ इस दुकान में सर्फ लेने, बट वहाँ सर्फ था ही नहीं, तो फिर मैं दूसरे दुकान जाता हूँ और वहाँ से लेता हूँ सर्फ, और तब निकल जाता हूँ अपने रूम के लिए। रूम पे आकर कर रहा हूँ बस, और फिर करूँगा स्नान और उसके बाद चला जाऊँगा क्लास। तो शावर कर लिया है मैंने, अब ये उठाते हैं क्लिप्स और कपड़े को लेके चलते हैं छत पे पसारने के लिए, ताकि कपड़ा मेरा जल्दी से सूख जाए। छत पे आके एक एक करके सारे कपड़े को मैं पसार देता हूँ, फिर उधर का जगह हो जाता है ख़त्म, तो इधर साइड में आके कुछ कपड़े को पसार देता हूँ। तो गाइस मैंने कपड़े पसार दिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ नीचे रूम और उसके बाद कोचिंग के लिए निकलेंगे। शायद बहुत लेट हो चुका है, टाइम नहीं देखा हूँ मैं अभी। तो कपड़े पसारने के बाद मैं आ जाता हूँ जल्दी से नीचे, और बाइक पे बहुत धूल पड़े हुए थे, उसे कपड़े से पोंछ के और तब बाइक को निकालता हूँ नीचे। फिर जल्दी से इस ग्रिल को बंद करता हूँ और निकल जाता हूँ अपने क्लास। A few moments later. क्लास से जैसे मैं आता हूँ तब तक नीचे एक दोस्त बोलता है कि क्लास हो गई, मैं उसे स्माइल देते हुए और निकल जाता हूँ अपने रूम के लिए। फिर चाबी को अंदर रखता हूँ पॉकेट में और अपना हेमलेट को उतार के चला जाता हूँ अपने रूम। उसके बाद तब रूम में होता है लंच।
लंच करने के कुछ देर बाद मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ हिस्ट्री का एक चैप्टर, जो कि मैं क्लास 6 का हिस्ट्री रिवीजन कर रहा हूँ दोबारा। हिस्ट्री का मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है जिसका नोट्स बनाना चाहिए। फिर हिस्ट्री पढ़ने के बाद अभी मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर। कल मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ा था और आज थर्ड चैप्टर पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज है 7 डेज का तीसरा दिन। तो ये थर्ड चैप्टर पढ़ रहा हूँ और ज्योग्राफी का तो नोट्स बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि इसका कुछ नोट्स बनाना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है बस मैं वही नोट्स में उतार रहा हूँ क्योंकि बाकी तो बुक से भी कवर हो सकते हैं। बिल गेट्स एक चाय वाले के पास जाके चाय पीते हैं और रील्स बनाते हैं, तो उसी से इंस्पायर होके हम और अविनाश जा रहे हैं अभी चाय पीने बोरिंग रोड। तो अविनाश जी आप बताइए इस पे क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा और शुभ विचार है आपका कि शाम के टाइम में चाय पीना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं फोकस हम नहीं कर पा रहे हैं और रॉबिन जी हैं काफ़ी दिनों बाद पता नहीं खुद से ही रेडी हुए हैं चाय पीने के लिए, वो भी बिल गेट्स के रील्स देखने के बाद। तो अब चल रहे हैं हम लोग, जैसे कि यही रास्ते हैं हम लोग का। चलो चाय पीने से पहले हम लोग गोलगप्पे खाते हैं यहाँ पे मेन चौराहा बोरिंग रोड। मुझे मीठा गोलगप्पा खाना अच्छा लगता है, तीखा वाला मैं खाता नहीं हूँ। उसके बाद आते हैं चाय के दुकान पे और यहाँ पे चाय बन रहा था तो एक दो मिनट रुकना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग चाय पी के सब फेंके हैं। बगल के दुकान में मुझे ये दिखता है प्लांट्स, मुझे लगता है ये रियल है, इसको छू के देखता हूँ टच करके, बट ये डुप्लीकेट था। फिर हम लोग चाय बिस्किट खाते हैं और आ जाते हैं रूम। तो गाइज अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं और मैंने छत पे जो कपड़ा पसारा था सुबह में उसे मैं अभी जा रहा हूँ लेने। तो ऊपर से कपड़े लाने के बाद मुझे मैथ्स में बनाने थे वर्क एंड टाइम के बहुत सारे क्वेश्चंस, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ 1.5 से 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन बनाने के लिए। और फिर नाइट के डिनर में बनता है रोटी और सब्जी, फिर हम दोनों बैठ के खाते हैं। तो गाइज सारा टास्क हो गया है कम्प्लीट, बुक रीडिंग वाला टास्क अभी एक बाकी है जो कि बुक रीडिंग है अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो अभी पढ़ते हैं बुक। 7 टास्क का एक टास्क बाकी था बुक रीडिंग का, उसको भी मैंने जल्दी से पढ़ के कंप्लीट कर लिया। तो गाइज आज हैबिट बिल्डिंग चैलेंज का 3rd डे था और 3rd डे भी कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हो और मेरा यह ब्लॉग पहली बार देख रहे हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा जो भी टास्क था 7 टास्क उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और अभी 11 बज रहे हैं, तो 11 बज चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ सोने। कल है 29 फरवरी जो कि 4th डे है इस 7 डे चैलेंज का। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही और सारी ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज अभी चलते हैं सोने और कल के डे को प्रोडक्टिव बनाना, इसलिए जल्दी से जाते हैं सोते हैं और 5 बजे फिर उठेंगे क्योंकि मुझे यही तो हैबिट बनाना है कि 5 बजे कैसे भी मुझे उठना है, पूरे डे अच्छे से अपना डे कम्प्लीट करना है, दिन में नहीं सोना है और मैं सो भी नहीं रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।